भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग कोरोना से संक्रमित है। बीमारी से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। कई लोग वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कर रहे हैं। वहीं घरों में रहने से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों को लॉकडाउन में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की अपने डाइट लेनी चाहिए, आप अपने शरीर को किस तरह से तंदुरुस्त रख सकते हैं, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाया जा सकता है, इसी मुद्दे पर चर्चा आज हम करेंगे हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। तो शुरू करते हैं स्वराज सेहत और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद है न्यूट्रिशियन डॉक्टर जूली पांडे। जूली जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। आज हम देख रहे हैं लॉकडाउन के वक्त सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों के सेहत पर भी असर देखा जा रहा है, क्योंकि घर से बाहर लोग निकल नहीं सकते। अब ऐसे में क्या डाइट आप सजेस्ट करेंगी लोगों को? जी बिल्कुल, मैं यहाँ डाइट सजेस्ट जरूर करूँगी, क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक जो प्रॉब्लम हो सकता है घर में बैठे रहने का, एसिडिटी हो सकता है, एक स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप वजन भी अपना गेन करें। तो बेटर है कि अगर आप घर पे रहकर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले ये कि आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अब स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कई बार हम सिस्टम में वर्क करते रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा देर तक सिस्टम में नहीं बैठना है, क्योंकि उससे आपके विजन का प्रॉब्लम भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि आप वजन भी अपना उससे वजन भी बढ़ने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरा ये कि अब आपको अपना जो डाइट है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा कि डाइट में आप जितना हो सके लो कार्ब डाइट लें, या फिर जितना कार्ब आप ले भी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे लें। मीठी चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि अभी हम घर पे हैं, बहुत सारी हो सकती है जो मीठी चीजें होती है, जो क्रेविंग्स होती है घर में रह के मीठी चीजों की खाने की, वो भी हो सकता है। तो मीठी चीजों का थोड़ा परहेज करें और जितना हो सके आप फाइबर इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं। जी जी, जब से कोरोना के अलावा आप, क्योंकि अभी समर का सीजन है जी, आप अपनी तो पानी की मात्रा जरूर अपने खाने में बढ़ाएं। जी, और जूली जी, हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है, जब से इम्यूनिटी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम अपना इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसको लेकर भी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। जी बिल्कुल, देखिए इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी ओवरनाइट बढ़ने वाली चीजें नहीं होती है, तो इसमें इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब कि ये हमारा बहुत लंबा टाइम लेता है। इम्यूनिटी ऑल ऑफ सडन बढ़ने वाली चीजें नहीं होती, इसलिए जो अभी मैं चीजें आपको डाइट में बता रही हूँ आप हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड रखें, जिससे कि आप अपना इम्यूनिटी लेवल बॉडी का बनाकर रखें। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको किसी टैबलेट की या मेडिकल टैबलेट या मेडिसिन की नीड नहीं है, आपका जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो आपके घर के किचन में ही अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अदरक, लहसुन, अजवाइन, कलौंजी, तिल, अलसी, ये सब नाम हम सभी जानते हैं, हम सभी इस नाम से काफी अच्छे से अवेयर हैं, तो ये चीजें आपके घर के किचन में ही अवेलेबल है। आप अगर इन सारी चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड रखते हैं, आप विटामिन सी रिच चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी का इम्यूनिटी लेवल है वो बूस्ट रहता है। और जूली जी, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में शुगर और बीपी के पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा हैं, और ऐसे लोगों को लेकर जो कोरोना है उसको लेकर लोगों में ज्यादा भय बन जाता है कि पहले से ही बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो स्पेसिफिक बीपी शुगर के अलावा जो अदर भी बीमारियां हैं, अगर आप
आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी है, ऑलरेडी किसी चीज से आप सफर कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी कम होती है। इसकी वजह से इस टाइम पे आपको अपनी डेली जो रूटीन है वो बिल्कुल मैनेज करना जरूरी है, जिसमें कि आपको टाइमली से खाना और खाने में क्या लेना है, ये दो चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर हम शुगर के पेशेंट की बात करें तो उनके लिए उनका खाना और खाने का जो समय है, इन दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जी, और जिनसे हम देख रहे हैं कि वेदर अभी गर्मियों का है और उसमें गर्म चीज लेने की बात कही जा रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काढ़ा लेने को कहा जा रहा है, काढ़ा भी गर्मी होता है। अब गर्मी में गर्म चीजों का सेवन करना ये कितना सही है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। एक्चुअली अभी जैसे गर्मी और इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हम बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कि गर्म होती है, जो बॉडी को हीट करती है। जी लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी चीज की, स्पेशली जो नेचुरल फूड होते हैं, अगर आप उसको एक लिमिटेशन पे लेते हैं, आप एक परफेक्ट टाइम पे लेते हैं, आप दिन के टाइम पे लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी को कहीं कोई नुकसान नहीं करता है। जी और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि गर्म चीजों का सेवन करते हैं तो उनको जलन होने लग जाती है पेट में, इस तरह की भी शिकायतें देखी जाती हैं गर्मी में गर्म चीजों का सेवन करने के लिए। तो क्या अगर कोई काढ़ा पीता है और उस बीच अगर उसे जलन होती है, तो क्या कुछ और चीज ऐसी है जिसका वो सेवन करके उसमें भी राहत पा सकता है? देखिए, अगर आपको कभी भी ये फील हो रहा है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर आपको एब्डोमेन पेन हो रहा है या आपको जलन की प्रॉब्लम हो रही है, तो जी यहाँ हमारा एडवाइस यही रहेगा कि आप उस चीज से परहेज करें। जी और जुनी जी, हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना भारत में आया है, फ्रिज का पानी को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, एसी में नहीं बैठना चाहिए या ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये कितना सही है? देखिए, जो फ्रिज के पानी की मैं बात करूँ तो फ्रिज का पानी अभी कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन है इसके लिए ही नहीं, इनफेक्ट फ्रिज का पानी आपको पीना भी नहीं चाहिए। आप जो भारत में जो शुरू से चलन चलता आ रहा है कि आप मटके के पानी का उपयोग करिए, आप जी रूम टेम्परेचर में लाकर पानी का उपयोग करिए, तो सबसे बेटर है कि आप उन्हीं पानी का यूज करिए फ्रिज के पानी की अपेक्षा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं। और जुनी जी, हम देखते हैं हमारे भारत में हर कोई चाहता है कि खुद को फिट रखे, और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ना तो जिम खुल रही है ना ही योगा क्लासेस खुल रही हैं, तो इसको लेकर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। खुद को फिट कैसे रखे ये भी अब एक बड़ा सवाल हो गया है, तो इस बीच आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे बिना जिम जाए ही वेट लॉस किया जा सकता है या फिर वेट गेन ना हो? इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं तो ही आप फिट हैं, आप घर जी में रहकर भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल दो चीज करने की जरूरत है, एक तो आपको घर में रहकर फिजिकली एक्टिव रहना है, जो कि आप प्राणायाम, योगा या एक छोटी छोटी जो एक्सरसाइज होती है जो आपको पता है, आप उसके थ्रू हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका जो संतुलित आहार होता है, क्योंकि हमारा जो भारतीय आहार है वो अपने आप में संतुलित आहार होता है, तो आप केवल इन दो चीजों को अगर प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रख सकते हैं। और साथ ही आपको मैं थर्ड पॉइंट ऐड करवाना चाहूंगी कि आप अपने डाइट में पानी की जो मात्रा है वो जरूर ऐड करिए, फिर वो पानी चाहे लिक्विड फॉर्म पे हो, लिक्विड इन द सेंस कि जैसे हम जूस जूस ले रहे हैं या फिर नींबू का पानी ले रहे हैं या नारियल पानी ले रहे हैं, उसके अलावा जो नॉर्मल वाटर ले रहे हैं, तो इन दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी, अभी आपने बताया कि किस किस चीज का हमें सेवन करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए या इन दिनों उनका सेवन नहीं करना चाहिए? मैं चाहूंगी वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इस टाइम पे सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि जो बासी चीजें हैं जनरली जिनको हम घर में बच जाते हैं और उसके बाद हम रीयूज करते हैं, तो इन चीजों के सेवन से अभी आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना उतना ही घर में आप कुक करिए जितना कि आप एक टाइम पे डायरेक्ट यूज कर पाए, आपको उसको फिर से प्री हीट करके या फिर से आपको गर्म करके नहीं खाना है।
जी दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आप जो लिक्विड का यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ठंडे लिक्विड का यूज ना करें। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रिज से निकला तुरंत पानी या फिर जूस, इस टाइप की चीजें आप बिल्कुल ठंडे फॉर्म पे यूज ना करके जो नेचुरल चीजें हैं आप उसको उसी लेवल पे लीजिए। जी, और बाहर से हम लोग देखते हैं कि जो सब्जियां या फिर दूध वगैरह आता है उसको लेकर घर की महिलाएं काफी चिंता में रहती हैं कि कहीं सब्जी में तो कोरोना नहीं है, तो उसको लेकर सब्जियों को किस तरह से पकाएं या फिर किस तरह से उन्हें वॉश करना चाहिए? देखिए, इसके लिए ये मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बाहर से लेकर आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके आप घर में एंटर करिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो रॉ प्रोडक्ट है जैसे सब्जी और वेजिटेबल की हम बात करें तो आप उसको घर में लाने के पहले जो गर्म पानी होता है उसमें एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए डिप कर दीजिए। जी, उसके अलावा आप कर सकते हैं कि आप उसमें लेमन वाटर का यूज या फिर कास्टिक सोडा का यूज करके या विनेगर का भी यूज करके उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। जी, और जूली जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटाइन है, उनके लिए क्या कुछ डाइट आप सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, अगर होम क्वारंटाइन है तो उसमें भी जैसा कि हमारा जो अभी डिस्कस होता आ रहा है कि आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने वाली जो फूड है आप वो उनको खाने में शामिल करिए। जैसा अभी आप थोड़े दिन पहले देखे होंगे कि जो क्वारंटाइन जूली मैं इसका आपसे जवाब लूंगी। इस बीच हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, राहुल। राहुल बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए आपका सवाल। मैडम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं कोरोना वायरस में जब से कोरोना संकट आया है तो हमको पहले से कई ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है, लगभग 16 से 18 घंटे काम करते हैं। जो मेन उसके साइड इफेक्ट्स है वो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। एक तो मेरी रूटीन हैबिट कई सालों से है सुबह योगा करने की और 4 से 5 किलोमीटर रोज मेरे वॉक करने को, जिम जाने का नियम था, बट लॉकडाउन के कारण एक तो मेरा ये नियम खत्म हो गया और योगा भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम मुझे अपने काम पे देना पड़ता है। सुबह 7 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल आता हूँ, रात को 7-8 बजे पहुँचता हूँ, तो दोनों टाइम का जिम भी नहीं कर पाता। सेकंड चीज़ मैडम कि मुझे एक बहुत गंदी आदत है कि मैं ठंडे ही पानी पीता हूँ, भले कितनी सर्दी भी हो मैं मुझे ठंडा ही पानी चाहिए, फ्रिज का निकला हुआ पानी चाहिए। उसके कारण मुझे साइनस भी हो चुका है, बट मैं आज भी अगर मैं गर्म पानी पीता हूँ तो मुझे प्यास नहीं बुझती, मुझे ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए या ये कितना हानिकारक है? जी देखिए, यहाँ जो आप ठंडे पानी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए हानिकारक है। तो आप जो भी, इवन अगर आप ठंडा पानी भी यूज करें चाहे वो मटकी का हो या फ्रिज का हो, तो आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाकर ही यूज करें, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं आपका जो रूटीन है उस हिसाब से अगर आप ऑल ऑफ सडन ठंडी चीजें ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। दूसरा, आप साइनस के पेशेंट है तो वो आपके साइनस को बढ़ा सकता है, तो बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पानी पीते रहिए, जिससे कि आपकी जो प्यास की जो एक होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और आप अचानक बहुत सारा पानी लेते हैं तो उस चीज से भी बच पाएंगे। जी, तो थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप लेंगे तो आप बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन अपना रख पाएंगे। जी, और उनका जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका एक और सवाल था कि जो लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं वो क्या करें। इससे पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, घर पे वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और इस टाइम पे जिम भी बंद है और योगा क्लासेस भी बंद है, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। जी देखिए, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के गार्डन में वॉकिंग कर सकते हैं। आप घर में जो स्टेयर्स होते हैं आप उसमें अप डाउन करिए। आप जो बहुत सारे आजकल के यूट्यूब वगैरह में योगा है, प्राणायाम है, आप इस टाइप की चीजें अपने घर में बैठे हुए कर सकते हैं जिससे कि आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। जी, वापस अपने सवाल पे आऊंगी, जो घर में लोग होम आइसोलेट है उनको किस तरह से अपनी डाइट रखनी चाहिए? आप इस सवाल का जवाब दे दी थी, मैं चाहूंगी उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप घर में आइसोलेट है, आप घर में क्वारंटाइन है तो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेना है, क्योंकि हैवी डाइट लेने से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बेटर है कि अपने डाइट में
एक तो आप फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। आप फाइबर का इंटेक सलाद के रूप में कर सकते हैं, छिलके वाली दालों के रूप में कर सकते हैं। आप वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए। दूसरा, आप लिक्विड का इंटेक बढ़ाइए। लिक्विड में जैसा कि हमारा तो पानी है, पानी तो आप बिल्कुल लें। साथ में आप, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, आप छाछ ले सकते हैं, आप नींबू का पानी ले सकते हैं, आप नारियल का पानी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मीठे चीजें खाने के शौकीन हैं, तो मीठी चीजों में आप गुड़ के साथ अदरक का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाने का काम करेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गया लेकिन है। लेकिन आपको इस टाइम पे बिल्कुल फैटी चीजें नहीं लेनी है। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं, अंबाला से हैं। जसवीर, जसवीर बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए अपना सवाल। आंखों से कैसे पता चलता है अभी कोरोना है, कोरोना वायरस है? मैं चाहूंगी अपना सवाल आप दोबारा से रिपीट कर दें। जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है, जी, ये आँखों में कैसे पता चलता है अभी कोरोना है, अभी चांस क्या है? जी डॉक्टर जूली, इनका सवाल है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कोरोना है या नहीं? जी देखिए, कोरोना है कि नहीं इसका अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स है नहीं कि आपको पता चल पाए, लेकिन इनिशियली आपको सूखी खांसी हो रही हो, या फिर बहुत ज्यादा आपको कोल्ड या कफ का प्रॉब्लम हो, और इस बीच अगर फीवर भी आपको आना स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल जाइए और जाकर इसका टेस्ट करवाइए, जिससे कि आप एक लेवल एक फाइंड आउट कर पाए कि आपको कोरोना है या नहीं है। इसके लिए आप कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं। जी, और एक और हमारे साथ में कॉलर जुड़ गई हैं, कविता जलंधर से। कविता बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। कविता, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? कविता से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार दोबारा से हमारे साथ में कविता जुड़ गई है। कविता सवाल बताइए अपना। हेलो जी मैडम, मेरे ना आंखों में खारिश हो रही है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले में खारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो आंखों का संबंध लिखा हुआ है ना कोरोना के साथ, इसलिए पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर जी, इनका सवाल है कि आंखों में इनकी जलन हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी, कोरोना से संबंध तो नहीं है जो कोई। तो क्या इन्हें कोरोना तो नहीं है, ये जानना चाहती हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही डॉक्टर जूली? डॉक्टर जूली, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर जूली से हमारे संपर्क टूट गया, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अभी भी कई सारे ऐसे डाउट्स हैं जो लोगों के मन में हैं, और वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, और वो डाउट ही क्लियर करने के लिए हम रोज 3:30 से 4 बजे के बीच आपके साथ सामने आते हैं डॉक्टर के साथ में, ताकि आपके जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहते हैं, आप कॉल करके आपका जो भी सवाल है उसका जवाब पा सकते हैं। तो आपको बता दें कि खाने पीने को लेकर लोग काफी चिंता में हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से वर्कआउट भी लोगों का छूट गया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, और साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का सीधा सीधा संबंध कोरोना से बताया जा रहा है। हर कोई अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहता है। इस बीच खाने को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि इस बीच किस तरह की डाइट रखी जाए, और लगातार काढ़ी को लेकर भी जिक्र हो रहा है। तो आपको बता दें कि कई सारे लोगों का ये सवाल है कि गर्मी के दिनों में काढ़ा कैसे पिएं, क्योंकि काढ़ी का तासीर होती है वो गर्म होती है, जिसका जवाब अभी डॉक्टर जूही ने दिया और बताया कि कोई भी प्राकृतिक चीज होती है वो सेहत को लेकर हानिकारक नहीं होती है। और एक बार फिर से हमारे साथ में डॉक्टर जूही जुड़ गई हैं। डॉक्टर जूही, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए थे जिनका सवाल था कि उनके आंखों में जलन हो रही है, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्हें कोरोना है?
जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आंखों में जलन हो रही है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो बेटर है कि उसके लिए आप एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसकी जांच करवाएं। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गया है महाराष्ट्र से, दादा उबारे बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैं महाराष्ट्र से दादा उबारे बात कर रहा हूँ। जी एक तो सवाल है कि कोरोना से बचने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए हमें हमारे आहार में कौन सी सब्जियां और कौन से फल खाने चाहिए ताकि हमारे अंदर एनर्जी तैयार हो जाए, इनके बारे में बताइए मैडम। जी देखिए, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने वाली जो कुछ चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसमें आप क्या ले सकते हैं, विटामिन सी रिच चीजें ले सकते हैं, जैसे आप नींबू ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप मटर ले सकते हैं, उसके अलावा आप जो लेमन ग्रास होता है जो वो आप ले सकते हैं। तो ये विटामिन सी रिच वाली चीजें होती है जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, आप खाने में पूरे जो छिलके युक्त साबुत अनाज होती है वो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो स्पेसिफिक फ्रूट जैसे मैंने बताया, उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप सीजनल फ्रूट्स का भी जरूर उपयोग करें, जो सीजनल वेजिटेबल है उनका उपयोग करें। जी, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गया है, रायपुर से है यश राजपूत। यश बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। नमस्ते मैडम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गर्मी का दिन है, खाने पीने का मन नहीं करता और सब लोग बोलते हैं ठीक से खाओ, कोरोना खाने का इलाज है, तो कैसे इसको मेंटेन किया जाए? हार्ड वर्क है, फील्ड में काम करते हैं, टाइम हो जाता है तो खाना नहीं खिलाता। जी एक्चुअली यहाँ आपको आपके खाने का जो टाइम है उसके लिए नहीं है, आपको आपका जो पूरा रूटीन है वो आप सेट रखिए, क्योंकि जब तक आपका रूटीन सेट नहीं होगा आपका जो भूख नहीं लगने वाला प्रॉब्लम है वो आपका रिपीट होता रहेगा। दूसरा, आप इस टाइम पे कुछ भूख बढ़ाने वाली चीजें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे आप खाने में थोड़ा जैसे दही यूज करिए, मठा यूज करिए, आप सूप यूज करिए, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो भूख है वो बढ़ेगी और आपका जो खाने का रूटीन है वो सेट करिए। डॉक्टर जूली, खाने पीने को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, लेट नाइट तक घर पहुंचते हैं और रात को जाके खाना खाते हैं, तो उस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए? क्या रात को लेट खाना खाना कई तरह की बीमारियों को पैदा करता है, ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही है, हमको लेट नाइट खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट खाने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खाने का जो टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि आप अपना डिनर जो है 8 बजे तक कंप्लीट कर ले, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है ये एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, तो ज्यादा से ज्यादा आप डिले कर रहे हैं तो 9 से 9:30 बजे तक, और जितना हो सके रात का खाना आप हल्का रखें। पर डॉक्टर जूली, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेट नाइट घर पहुंचते हैं, 8 से लेकर 9 तक खाना खाना उनके लिए संभव नहीं होता, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, यहाँ आपको अपना जो रूटीन है वो मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड जब कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आना स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप मेडिसिन के तरफ जाएंगे, तो बेटर है आप यहाँ अपना रूटीन ही सेट करें, क्योंकि आप टाइमिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कभी कभार की बात और अलग होती है, लेकिन आपका जो डेली का रूटीन है वो एटलीस्ट सेट होना चाहिए। जी डॉक्टर जूली, खास तौर पर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, पर अब जब से कोरोना को लेकर जिक्र किया जा रहा है, भारत में कोरोना आया जब से लेकर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, और इस बीच हमारे साथ में एक कॉलर और जुड़ गए हैं, सवाल मैं आपसे बाद में करूंगी। नरेंद्र दुबे हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं, नरेंद्र बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए और आपका जो सवाल है उसे रिपीट कर दीजिए। ऐसी
रोहित थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। सर्दी जुकाम हो रहा है, क्या आप यही कहना चाहते हैं कि सर्दी जुकाम हो रहा है, टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? डॉक्टर जूली, इनका सवाल है इनको सर्दी जुकाम हो रहा है जी, तो क्या फिर इन्हें जांच करानी चाहिए? ये कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो इनिशियली इनको जाकर डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें इस चीज को खुद से ठीक करना सही नहीं होगा, बेटर है कि जाकर एक बार जांच करवा लें। जी, और एक कॉलर और हमारे साथ में जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, योगेश कुमार। योगेश, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश। स्वराज सेहत में सवाल बताइए अपना। जी डॉक्टर साहब, मैं 68 प्लस का हूँ, इसको मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि मुझे अपनी डाइट क्या लेनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा ये, हेलो जी, सवाल बताइए अपना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज जो है 68 प्लस है जी, मुझे ये बता जरा गाइड कर दीजिए कि मुझे डाइट क्या लेनी चाहिए, उसका क्या टाइम होना चाहिए। दूसरा कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं है और मुझे तो मेरे डॉगी को घुमाने ले जाना पड़ता है, तो मैं मास्क वगैरह लगा के जाता हूँ, मुझे कोई रिस्क तो नहीं है इस तरह कोई किसी प्रकार का? डॉक्टर जूली, इनका सवाल है कि इनकी जो एज है वो 60 प्लस है जी, और डॉगी को घुमाने के लिए इन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये जानना चाहते हैं कि बाहर जाने से किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है, और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि इन्हें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। देखिए, आप अगर 68 प्लस के हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि आप साल में या 6 महीने में अपना रूटीन जो बॉडी चेकअप है वो जरूर करवाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका इस समय जो डाइट होना चाहिए, बिल्कुल आपका कैल्शियम रिच डाइट होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, इवन प्रोटीन रिच होना चाहिए। जितना हो सके आप सिंपल शुगर को अवॉइड करें और लिक्विड की मात्रा आप अपने डाइट में बढ़ाएं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है तो जी। दूसरा आपका ये क्वेश्चन है कि बाहर जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको आपके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है, आप प्रॉपर मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो वो कहीं भी